कैसे आप एक मॉडल बन सकते हैं, कैसे आपको काम मिलेगा। मॉडलिंग का मतलब रैंप वॉक पे चलना ही नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा मॉडल बनने के लिए क्या करना है। आप ये वीडियो पूरा देखिए। थैंक यू। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ मनीष खुल्लर। मैं लगभग 18-19 साल से मॉडलिंग इंडस्ट्री में हूँ। मैं फैशन फोटोग्राफी करता हूँ और मॉडलिंग का प्लेटफॉर्म बेसिकली रन करता हूँ, जिसका नाम है NewIndianModels.com। इसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि मॉडलिंग कैसे स्टार्ट की जाती है, हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मॉडलिंग है क्या। मॉडलिंग का मतलब रैंप वॉक पे चलना ही नहीं होता। अब ये समझ लीजिए मॉडलिंग की डेफिनेशन क्या है। अ पर्सन हु प्लेज अ रोल टू प्रमोट, एंडोर्स और एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड अ मॉडल एंड द वर्क इज कॉल्ड मॉडलिंग। मतलब कि अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को एंडोर्स करते हैं, एंडोर्स मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, आप बोलते हैं कि हाँ जी ये खरीदिए, तो वो मॉडलिंग होती है। वो एंडोर्समेंट किसी भी तरह हो सकती है, थ्रू डिजिटल मीडिया लाइक जो मार्केट प्लेसेस हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जैसे हैं जिन पे, वो प्रिंट एड्स के थ्रू हो सकती है, जो कि मैगजीन्स, होर्डिंग्स वगैरह, जहाँ पे भी जब भी कोई चीज़ आपकी प्रिंट होती है। वो टीवी के द्वारा भी हो सकती है, लाइक टीवी कमर्शियल्स, टीवी में जो एड्स आती हैं उस, वो भी मॉडलिंग है। वो रैंप वॉक के थ्रू भी हो सकती है, जब एक डिज़ाइनर या कोई भी प्रोडक्ट वाला एक अपना लॉन्च कर रहा है प्रोडक्ट या शोकेस कर रहा है प्रोडक्ट लोगों के सामने थ्रू अ रैंप वॉक। जो इंटरनेट पे चीज़ें बिकती हैं, इनके लिए जो मॉडलिंग होती है उसको एक वर्ड दिया गया है, ई कॉमर्स मॉडलिंग, जिसमें कि आपको एक कंपनी हायर करती है, उसके 20, 30, 40, 50, 100 प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो वेबसाइट्स के थ्रू सेल करना चाहती है। उसके लिए वो एक मॉडल हायर करती है, जिसमें कि जल्दी से बस कपड़े चेंज करने हैं, फ्रंट शॉट, साइड शॉट, बैक शॉट लेना है कपड़े का विद द मॉडल, तो उसको ई कॉमर्स मॉडलिंग कहते हैं। मॉडलिंग में जाने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके अंदर एक पैशन होना। अगर आपको, आपके अंदर पैशन नहीं है और आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए मॉडलिंग में आना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द राइट इंडस्ट्री फॉर यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है एक अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर होना। बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं, लड़के, कि सर क्या मॉडल बनने के लिए एब्स ज़रूरी हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स ज़रूरी हैं, बॉडी बिल्डर टाइप बॉडी होनी चाहिए? नहीं, मॉडल बनने के लिए, फॉर बॉयज़ मॉडल बनने के लिए एक अच्छी हाइट और प्रोपोर्शनेट फिट लीन बॉडी ये चाहिए। लड़कियों के लिए यस, देर इज़ एन एवरेज मिनिमम हाइट जो कि है करीब 5'3" फॉर गर्ल्स, एंड बॉयज़ के लिए मिनिमम आई वुड रिकमेंड 5'7" और 5'8". उससे कम लड़कों के लिए मॉडलिंग बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट यू शुड हैव अ फिट बॉडी। थर्ड, once you have passion, once you have a beautiful fit body, then you should understand how to face the camera, how to pose for the camera, expressions kaise camera ke aage dene hain, wo selfie wale poses nahi hote modeling mein, to isliye aapko wo bahut zaruri hai seekhna pehle। कि एक कैमरे के सामने, स्टिल कैमरे की बात कर रहा हूँ मैं,
क्योंकि मॉडलिंग में जाने के लिए हम अभी, उसके लिए आपको ये देखना और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोज कैसे किया जाए, अपना बॉडी कैसे सीधा रखना है, चिन लेवल क्या होना चाहिए, आइज़ कैसे एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, लेग्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, हैंड्स, फिंगर्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या मॉडलिंग में जाने के लिए मॉडलिंग का कोई कोर्स करने की ज़रूरत है? नहीं, आप कर सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो कोर्सेज चलाते हैं मॉडलिंग के लिए, बट वो कोई ज़रूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट होती है मॉडल बनने के लिए, नहीं, मॉडल बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई कार्ड नहीं बनाना पड़ता। मॉडल बनने के लिए आपको पोजिंग और एक्सप्रेशंस आने चाहिए। ज़्यादातर लड़कों में इतनी ज़्यादा पोजिंग और एक्सप्रेशंस की वैरायटी नहीं होती, तो इसलिए लड़कों को इतना ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कोर्स या कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत हो। लड़कियों के मामले में जो पोजिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और उसमें वैरायटी बहुत होती है। उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि एक आप ग्रूमिंग कोर्स ज़रूर करिए, जिसमें कि आपको ये पता चले कि कैसे कैमरा फेस करना है, एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, पोजिंग कितने डिफरेंट तरह की होती है, क्योंकि साड़ी पहन के पोजिंग अलग तरह से होगी, शॉर्ट गारमेंट्स में पोजिंग अलग तरह से होगी। तो वो अगर आप चाहें तो वो हम भी प्रोवाइड करते हैं। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके पास एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होना चाहिए। यस, अब इसमें भी मेरे पास कई लोग पूछते हैं कि सर मेरे दोस्त के पास DSLR कैमरा है, मैंने उससे कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई हैं, तो वो चलेंगी? वेल, किस्मत की बात है, चल जाएँ तो चल जाएँ, लेकिन प्रोफेशनली स्पीकिंग जब एक एजेंसी के पास एक क्लाइंट आता है और बोलता है कि जी हाँ हमें एक मॉडल चाहिए अपने इस गारमेंट शूट के लिए, तो एक एजेंसी उस क्लाइंट को प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज़ मेल करती है और वो प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज़ देख के एक क्लाइंट जज करता है कि ये मॉडल कैसे उसके गारमेंट्स को पहन के मॉडलिंग कर सकता है, उसके गारमेंट्स को पहन के पोजिंग कर सकता है। उसको एक विश्वास होता है कि ये एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के थ्रू पोर्टफोलियो करके आया है, तो डेफिनेटली इसको एक एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल शूट का। और अगर आप किसी दोस्त से पिक्चर्स क्लिक करवा के DSLR कैमरा से आ जाते हैं, तो वो मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं है। अब बात आती है कि प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होता क्या है। तो दोस्तों, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होता है एक टेक्निकल चीज़ है, सिर्फ उसमें अच्छी फ़ोटोज़ नहीं खींची जाती हैं। एक प्रोफेशनल फैशन फोटोग्राफर को पता होता है कि हमने क्या क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है, कैसे लाइट्स से खेलना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बीच में याद आई, बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं सर पोर्टफोलियो में इनडोर आउटडोर होगा। एक क्लाइंट जब एक मॉडल को हायर करता है तब वो ये नहीं देखता कि इसका इंडोर है पोर्टफोलियो या आउटडोर है पोर्टफोलियो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग आउटडोर शूट से बहुत फैसिनेटेड, उनको बहुत अच्छा लगता है कि आउटडोर शूट हुआ है मेरा, तो उनको मैं ये बता दूं कि आउटडोर शूट करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि सनलाइट है, उजाला है, मॉडल को खड़ा किया और पिक्चर क्लिक कर ली। जबकि वही चीज़ जब हम स्टूडियो में शूट करते हैं तब हम क्रिएट करते हैं पिक्चर को, एक मूड को क्रिएट किया जाता है लाइट से, लाइट के एंगल्स से, लाइट की इंटेंसिटी से। मेजरली जो पोर्टफोलियो होता है वो इंडोर ही होता है। हाँ ठीक है, हम लोग भी करते हैं बीच में, क्योंकि लोगों की डिमांड है तो कुछ एक आधा लुक हम आउटडोर भी कर लेते हैं। पोर्टफोलियो के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये पोर्टफोलियो लेके जाओगे कहाँ, क्योंकि जो पोर्टफोलियो करेगा आपका, ये उसकी ड्यूटी है कि वो आपको आगे प्रमोट करे, आगे गाइड करे, आगे का रास्ता दिखाए। हाँ, गारंटी कोई भी जेन्युइन प्रोफेशनल नहीं देगा। अल्टीमेटली चूज़ करना, मॉडल को फाइनलाइज़ करना क्लाइंट के हाथ में होता है। एक फोटोग्राफर, एक एजेंसी का काम होता है मॉडल को क्लाइंट तक पहुँचाना।
निम्स मॉडलिंग एजेंसी आपको क्या हेल्प करती है? निम्स मॉडलिंग एजेंसी आपको गाइड करती है, आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो करती है और आपको प्रमोट करती है। प्रमोट करने के लिए कई तरीके होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका पोर्टफोलियो 20,000 कम से कम जो कंपनीज हैं, जो जिसमें कि प्रोडक्शन हाउसेस, फोटोग्राफर्स, डायरेक्ट क्लाइंट्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, ऐसे कई लोग हैं, उनका हमारे पास डेटा है। उनको हमारा मंथली न्यूज़लेटर जाता है जिसके थ्रू हम आपको प्रमोट करते हैं। फिर हम आपको अपनी वेबसाइट, जो इंडिया की लीडिंग वेबसाइट है NewIndianModels.com, उस पर आपका प्रोफाइल डालते हैं, उसके थ्रू प्रमोट करते हैं ताकि जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं वो आपका प्रोफाइल हमारी वेबसाइट पे देख सकें। तीसरा, सोशल मीडिया। हम आपको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जहाँ पे हमारे हज़ारों फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं एंड ऑल, जो आप तक पहुँच सकते हैं और अगर वो चाहें तो आपको हायर कर सकते हैं। फिर हम आपको कॉन्टैक्ट्स देते हैं एजेंसी के, प्रोडक्शन हाउसेस, फोटोग्राफर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, मॉडलिंग एजेंसीज वगैरह के, जो कि 10-15 नहीं 100 से अधिक हैं। जब ये हर तरह की आपको प्रमोशन मिलती है तो आप पूरी इंडस्ट्री में आपका प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपको काम मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। कई मॉडल्स ये पूछते हैं या कुछ लोग ये पूछते हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? नहीं, इंडिया में 95% ऑफ द मॉडल्स आर फ्रीलांसर्स। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट का इतना ट्रेंड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक मॉडल को मिनिमम इतने हज़ारों का काम महीने में वो देगी, लेकिन इंडिया में इतना एजेंसी के पास इतना काम नहीं होता कि एक मॉडल को 20,000-50,000 रुपए का काम महीने में दे सके। तो इसलिए वो फ्रेशर मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो इसलिए वो फ्रेशर मॉडल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। तो दोस्तों, ये सारा था मॉडल बनने का सफ़र और बहुत सारे और भी सवाल होंगे। आप मुझे वीडियो देख के नीचे कमेंट्स में आप पूछिए कि क्या आप और जानना चाहते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस का भी आंसर कर सकूं। होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।